हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किया करेंगे, जो कि रिलेटेड होंगे करंट अफेयर या अन्य किसी टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। और लास्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसमें मैंने आंसर दिए भी हुए हैं, तो मैं आपको इस बारे में बताता भी रहूंगा कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज DRUZVA ड्रिज्वा क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप पहले गैस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये ड्रिज्वा है पाक और रूस का सैन्याभ्यास है जो कि चल रहा है। पाकिस्तान और रूस में आपसी संबंध बन रहे हैं, आपस में उनके मध्य गठजोड़ बन रहा है, उनके पारस्परिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, तो उन संबंधों में सैन्य अभ्यास एक अगली कड़ी है। तो इन दोनों देशों के मध्य जो सैन्य अभ्यास चल रहा है उसको ड्रिज्वा नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तरासा क्या है। तो आप इनमें से आंसर आपको बताना है कि तरासा क्या है। इसका आंसर है बी, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। तरासा के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैं आपको पूरा तरासा के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो एक वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट होता क्या है, तरासा क्या है, किस सीरीज का है, ये सब मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। तो तरासा इज ए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम है, आप गैस करिए क्या आंसर है इसका। अटल पोर्ट इसका आंसर नहीं है, अब APJ अब्दुल कलाम पोर्ट इसका आंसर नहीं है, और इसका आंसर है दीनदयाल पोर्ट। अभी हाल ही में कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज किया गया है, इसे बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। इसका आंसर है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि कांडला पोर्ट है कहाँ पे। तो कांडला पोर्ट कांडला कहाँ पे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कांडला कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे विकसित किया गया है। पेंसिल क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो पेंसिल नहीं है जिसे हम लिखते हैं। पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने पेंसिल के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं कि पेंसिल क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये किस क्षेत्र में काम करेगा, इसे लागू कौन करेगा, ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पेंसिल एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसे विकसित किया गया है। पेंसिल हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चूंकि ये मैं आपको बता दूं कि पेंसिल जो है वो बाल श्रम से रिलेटेड है, तो बाल विकास मंत्रालय इसको हालांकि विकसित नहीं किया है, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी इसको विकसित नहीं किया है, इसे विकसित किया है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। तो पेंसिल के बारे में आप पूरा जो मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, इसे विकसित किया गया है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौभाग्य संबंधित है। सौभाग्य रिसेंटली लॉन्च एक स्कीम है, तो सौभाग्य के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ कि सौभाग्य क्या है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे और क्यों लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है, तो सौभाग्य जो रिलेटेड है वो बिजली से रिलेटेड है, ये पानी से, स्वच्छता से, संस्कृति से रिलेटेड नहीं है। आप सौभाग्य का संबंध संस्कृति से नहीं लगा सकते, क्योंकि सौभाग्य एक शॉर्ट टर्म है और इसका पूरा नाम जो है वो सहज बिजली हर घर योजना है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें कि सौभाग्य का संस्कृति से कोई संबंध है या स्वच्छता से कोई संबंध है। सौभाग्य स्कीम जो है बिजली से संबंधित है, और इसे 31 दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली का कनेक्शन देना सुनिश्चित किया जाए, ये सौभाग्य स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में कि क्या काम करती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में एडवाइस देने का काम मेनली गवर्नमेंट को, जैसे या फिर पीएम को,
तो वो जो काम करती है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका हाल ही में गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रतन वाटल नहीं है, अरविंद बनगड़िया भी नहीं है, विवेक देव राय इसके अध्यक्ष हैं, सी रंगराजन इसके अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, इसके विवेक देव राय को इनका अध्यक्ष बनाया गया है, और जो नीति आयोग से जुड़े हुए हैं विवेक देव राय। आपको अरविंद पनगड़िया के बारे में पता होगा, अरविंद पनगड़िया कौन थे, नीति आयोग से संबंधित थे पहले, लेकिन अब उस पद से हटने उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, और ये 6 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए उन सभी के आंसर्स हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। हम डेली इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।